रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों को युद्ध के मैदान में सफल होने में मदद कर रहा है। वहीं यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाने के मद्देनजर आक्रामक कदम उठा रहा है। जेक सुलिवन ने कहा है कि रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर हमले के बाद मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा, हम यूक्रेनी लोगों को युद्ध के मैदान में सफल होने में मदद करने और बातचीत की मेज पर उन्हें मजबूत स्थिति में लाने के प्रयास के मद्देनजर बड़े कदम उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुलिवन कहते हैं कि इस संबंध में अगुवाई जारी रखेंगे। अमेरिका उसी तरह अहम भूमिका निभाएगा जैसे हमने बीते दिनों में अभी तक निभाई है। व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्रवाई से नाराज होकर अमेरिका के साथ कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जिन्होंने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से बिजनेस टर्म्स रखने वाले देश जैसे चीन और भारत उसे भी चेतावनी दी है। वहीं इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि फिलहाल रूस यूक्रेन में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पूरे यूरोप को निशाना बना रहा है और उनके देश पर रूसी आक्रमण को रोकना सभी लोकतंत्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी हमला केवल यूक्रेन तक सीमित रहने के इरादे से नहीं किया गया। कई यूरोपीय नेताओं ने युद्धग्रस्त राष्ट्र यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के प्रयास किए हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा करने के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के नेताओं को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का आज 46वां दिन है। एक तरफ बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार है तो दूसरी तरफ रूस ने हमलों में तेजी ला दी है। रूस की सेना अब यूक्रेन के दक्षिण हिस्से की तरफ बढ़ रही है। रूस ने 3 मिसाइलें दागी हैं जिसमें यूक्रेन का निप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 Digital।